हेलो दोस्तों, कैसे आप। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीज़न का रोमांच चरम पर है। सीज़न का आगाज 26 मार्च को हुआ, जबकि फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। आईपीएल की दो नई टीमें टॉप पर हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं तो लखनऊ के कप्तान केएल राहुल हैं। सभी टीमों ने 10 से अधिक मैच खेल चुकी है। सबसे आखिरी पायदान पर मुंबई की टीम है। मुंबई का यह सीज़न काफ़ी बुरा साबित हुआ। मुंबई ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मैचों में जीत हासिल की है और 8 में हार का सामना करना पड़ा है। 5 बार की चैंपियन लगातार अपने 8 मुकाबले हार गई है। अब मुंबई प्लेऑफ से बाहर हो। इसके बाद 9वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स। इस बार यह टीम किंग्स की तरह नहीं खेल पाए। पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन उन्होंने कहा आईपीएल से कप्तानी नहीं करना चाहते। इसके बाद चेन्नई ने कप्तानी रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया, लेकिन जडेजा ने अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। और शायद हर प्लेयर के लिए कप्तानी करना उतना आसान नहीं है, और कप्तानी आने से जडेजा का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद जडेजा ने कप्तानी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बैटिंग और बॉलिंग पर ध्यान देना चाहते हैं। फिर इसके बाद सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया और धोनी फिर से कप्तान बन गए। अब सीएसके अच्छा खेल लिया, लेकिन चेन्नई शायद ही प्लेऑफ्स में पहुंच। इसके बाद 8वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर की टीम है। इनके पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यह टीम मैच जीत नहीं पा रही है। हर साल कोलकाता के पास अच्छे प्लेयर मौजूद रहते हैं, लेकिन वह परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। कोलकाता ने अब तक 11 मैच खेले हैं, 11 में से 4 में जीत दर्ज की है, और कोलकाता का प्लेऑफ में जाने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कोलकाता का 4 मैच में जीत दर्ज की है और कोलकाता के प्लेऑफ में जाने की संभावनाएं कम है। इसके बाद 7वें नंबर पर मौजूद है किंग्स इलेवन पंजाब। किंग्स इलेवन पंजाब ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और 11 में से 5 में ही जीत दर्ज की है, और यह टीम काफ़ी संतुलित टीम है और प्लेऑफ में जा सकती है। इसके बाद 6वें नंबर पर सनराइजर हैदराबाद है। हैदराबाद ने भी 10 मुकाबले खेल चुकी है और 5 में जीत दर्ज की है, और इनके भी अभी भी प्लेऑफ में जाने का चांस है। 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल मौजूद है। दिल्ली ने अब तक 10 मैच खेले और 5 में जीत दर्ज की है और 10 पॉइंट है। दिल्ली भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 4थे नंबर पर मौजूद है। बेंगलोर ने अब तक 11 मैच खेल चुकी है और 6 मैचों में जीत हासिल कर चुके हैं और 12 अंक प्राप्त कर चुके हैं, और बेंगलोर का भी प्लेऑफ में जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और बेंगलोर प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके बाद 3वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी मजबूत है। राजस्थान ने अब तक 11 मैच में से 7 मैचों में जीत दर्ज करते हुए 14 पॉइंट। इसके बाद 2वें नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है। गुजरात की टीम काफ़ी अच्छी है। गुजरात ने अब तक 11 मैच खेलते हुए 8 में जीत हासिल की है और 16 पॉइंट अपने नाम किया हुआ है। गुजरात पहली टीम है जो प्लेऑफ में पहुंच गई है। गुजरात टाइटंस इस साल फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। इसके बाद पहले पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट की टीम है। लखनऊ इस साल की नई टीम है, लेकिन वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है अब तक और फाइनल जीत सकती है। लखनऊ ने 11 मैच खेलते हुए 8 मैचों में जीत हासिल करते हुए 16 पॉइंट हासिल कर लिए है और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। लखनऊ अब पहले स्थान पर काबिज हो चुकी है। अगर लखनऊ लगातार अपने 3 मैच और जीतती है तो लखनऊ नंबर 1 टीम हो। यह 3 टीम है जो इस साल फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट। और यह तीनों टीम काफ़ी मजबूत है। इन्होंने अब तक बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है, खासकर लखनऊ सुपर जायंट ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। एक नई टीम होने के नाते इतना आसान नहीं होता है, लेकिन लखनऊ ने काफ़ी शानदार क्रिकेट खेला है। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।